हेलो व्यूअर्स, मैं पारुल जिंदल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मसाला सर्कल में, जहाँ टेस्ट भी और हेल्थ भी। दोस्तों, बारिश के इस मौसम में भुट्टे खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन जब भुट्टे पक जाते हैं तो कोई खाना पसंद नहीं करता। आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ पके हुए भुट्टे के स्टफ पराठे। ये खाने में बहुत टेस्टी है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुछ भुट्टे पड़े थे जो कि पहले से पक गए हैं। अब मैं इसके छिलके और रेशों को निकाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ग्रेट करना है। इसके लिए मैं एक ग्रेटर ले रही हूँ। मैं बहुत बड़े ग्रेटर से भी ग्रेट नहीं करूंगी और बहुत बारीक से भी नहीं करूंगी। हम यहाँ पे मीडियम वाला ग्रेटर लेंगे जिससे हम अपने भुट्टे को ग्रेट करेंगे। इसका पर्पस बस इतना सा है कि बारीक वाले भुट्टे से हमारा भुट्टा बहुत ज्यादा बारीक ग्रेट हो जाएगा और मोटे से बहुत ज्यादा मोटा, इसे पराठे में भरने पर ये निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बीच वाला ले रही हूँ और अब इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। भुट्टा अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब इसे हम पराठे की स्टफिंग बना लेते हैं। मैंने यहाँ ले लिया एक कढ़ाई और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना तेल और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी हींग और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हल्का सा भून लेंगे। मिर्च और अदरक अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल देंगे हमारा ग्रेट किया हुआ भुट्टा। हम इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे भून लूंगी। हमें इसे बहुत ज्यादा देर तक नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट तक ही इसे लो फ्लेम पर आप भून लीजिए। इस तरीके से भूनने से इसमें जो भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। भुट्टा पूरी तरीके से भून चुका है। अब है इसकी मसालों की बारी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला। आप अपने हिसाब से और भुट्टे के हिसाब से भी मसाला कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ 1 चम्मच हरा धनिया। फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। पराठे बनाने के लिए हम यहाँ आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया 2 कप आटा और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल डालने से पराठे बहुत खस्ता बनेंगे और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच जितना नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसका हमें बनाना है एक सॉफ्ट डो। आटा गूंथकर तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे कि आटा फूलकर सेट हो जाए। आटा फूलकर सेट हो गया है। अब हम इसके पेड़ तोड़ लेते हैं। मैं इतनी बड़ी लोई ले रही हूँ यहाँ पर जितना कि हम पराठा बनाने के लिए लेते हैं। तीन से 4 इंचेस की गोलाई में इसको बेल लेंगे और इसमें लगा रही हूँ मैं तेल। तेल लगाने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग को भर लेंगे
अब अच्छे से इसे बंद कर लेंगे। मैं पहले इसे हाथ से थोड़ा बढ़ाऊंगी, इसके बाद अब मैं इसको हल्के प्रेशर से बेल ले रही हूँ। पराठा आपको बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है। पराठा बनकर तैयार है, अब इसको सेक लेते हैं। मैंने यहाँ तवे को मीडियम गैस पर गर्म कर लिया है, अब इसमें पराठे को डालेंगे और पराठा को दोनों तरफ घी लगाकर सेक लेंगे। अगर आपके पास किसी भी अचार का तेल हो तो आप उससे सेक लीजिए, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। पराठा बनकर तैयार है, आप या इसे अचार, दही या किसी भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।